हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो मैथ्स में हमने जैसे अभी टाइम एंड वर्क ख़त्म कर लिया, तो तीसरे टॉपिक में आपके साथ प्रॉब्लम ऑफ एजेस लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आपको एजेस भी कंप्लीट करवा देंगे। तो एजेस के लगभग मैंने यहाँ पे चार क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो चार क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो एजेस का जो क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे आपको, तो वो इसी पैटर्न पे आपको आएंगे और आप उनको सॉल्व कर लोगे। तो क्या करते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, रेशियो ऑफ बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है पहला हमारे पास। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ जॉन एंड जिम इज 4:3। तो प्रेजेंट एज कितनी बता रहा है जॉन एंड जिम की? 4:3 बता रहा है। ठीक है, 6 years hence। अब देखो, एक चीज यहाँ पे बता दूं मैं आपको, अगर लिखा होगा hence या फिर after, तो दोनों का मतलब क्या है? मतलब बाद में। ठीक है, आफ्टर का मतलब या फिर हैंस लिख लेंगे या फिर आफ्टर लिख देंगे, वो एक ही चीज होगी। और क्या लिखा होगा? या फिर बिफोर या फिर एगो, तो ये क्या होगी? एक ही बात होगी, मतलब कुछ साल पहले। ये क्या होगा? कुछ साल बाद में। ये क्या होगा? कुछ साल पहले। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? 6 years hence। तो 6 years hence का मतलब 6 साल के बाद इनका रेशो कितना हो जाएगा? 5:4। देखो, मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ। एक जो शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो करवा देता हूँ, और एक आपको जो बेसिक मेथड होता है वो करवा देता हूँ। तो जो पसंद आएगा उनमें से वो आप कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड से करवाता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ जॉन की। प्रेजेंट एज कितनी लेट कर लेता हूँ मैं? एक्स कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे जिम की प्रेजेंट एज कितनी लेट कर लेता हूँ मैं? वाई कर लेता हूँ। तो मुझे एक्स अपॉन वाई दिया हुआ ना, ये क्या? प्रेजेंट एज ऑफ जॉन एंड जिम। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है मेरे पास एक्स और वाई। तो एक्स अपॉन वाई मुझे कितना दिया, या फिर एक्स इज टू वाई बोलूँ, मुझे कितना दिया हुआ है? 4:3। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। अब सेकंड चीज़ का, 6 years hence, अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 6 साल के बाद 16 साल का होगा। ठीक है ना, 6 में प्लस ही कर दूंगा जितने भी साल मुझे आगे बोला होगा। तो 6 साल के बाद जॉन की एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 6 years। ठीक है, आफ्टर 6 years तो जॉन की एज कितनी होगी भाई? एक्स प्लस 6 हो जाएगी। और वहीं पे जिम की एज कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 6 हो जाएगी। तो इसकी रेशो कितनी दी है? x प्लस 6 अपॉन y प्लस 6 हमें कितना दिया हुआ है? 5:4। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये मुझे रेशो दिए x और y की, और ये मुझे 6 साल बाद के दिए। तो मैं क्या करूँगा, इनको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा? 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 5y प्लस 30। ठीक है, तो x कितना है मेरे पास? 4। यहाँ पे मैं क्या मान लूँ, x अपॉन वाई है, तो ये 4 है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मान लो m मान लेता हूँ। ठीक है, रेशो है ना, ऐसे हम जनरली x मानते थे या y मानते थे, यहाँ पे x y दिया हो, तो मैं यहाँ पे m मान लेता हूँ। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 4m, 4:4m। ठीक है, और y की जगह क्या पुट कर लूँगा मैं? 3m। तो ये कितना हो जाएगा? 5:3m प्लस 30। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ आगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4:4 = 16 16m प्लस 24 इक्वल्स टू 15m प्लस 30। तो ये इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1m। तो ये उस तरफ चलेगा, 30 - 24 6। m कितना आ जाएगा? 6। अगर m की वैल्यू 6 है तो 4m कितना हो जाएगा? 4:6 = 24, और 3:6 ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? x। ये क्या आ जाएगा? y। तो x और y क्या बन जाएगा मेरे पास? यही मुझे पूछा है कि find the present ages, present age क्या होगी मेरी। तो present age यहाँ पे x और y था ना, तो x और y निकालना था मुझे। तो present age of John कितना है? 24 years, और present age of Jim की कितनी होगी? 18 years। ये तो था मेरा जो बेसिक मेथड था। तो यही अगर अप्रोच आप फॉलो करो एजेस में, तो यही आपको सही रहेगा। जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो हर क्वेश्चन में लगती है, वो सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में यूज होती है, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, देखो जॉन एंड जिम, यहाँ पे लिख लेता हूँ जॉन, यहाँ पे लिख लेता हूँ जिम। कितनी है प्रेजेंट एज? देखो प्रेजेंट एज है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4, इसकी कितनी है? 3। आफ्टर 6 years है, 6 years की बात करें, 6 साल के बाद कितनी एज होगी? 5:4। देखो अब आपने क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 4 और 5 के बीच में 1 है, 3 और 4 के बीच में भी 1 है। अब जब ये डिस्टेंस सेम होगा तो आप क्या करोगे, इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 6 साल का। ठीक है ना, इनके बीच में डिफरेंस है 6 साल का। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है?
सिक्स, एक की वैल्यू सिक्स है, तो पूछा गया परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है फोर और थ्री, तो फोर की कितनी होगी सिक्स इंटू फोर और थ्री की कितनी होगी सिक्स इंटू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर, ये क्या हो जाएगा एटीन। ठीक है, तो वो छोटा मेथड, टाइम भी कम लगता है, लेकिन ये हर टाइप के क्वेश्चन में नहीं लग सकता, ये सिर्फ यहीं पे लगा होगा जहाँ पे हमें रेशियो प्रेजेंट की दे दी होगी या फिर कुछ साल पहले या कुछ साल बाद की, उन्हीं सब क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द एज ऑफ अ मैन इज थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन। अब देखो मैन है, मैन की एज बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, मैन की एज कितनी है मान लो एम, मैं मैन को मान लेता हूँ और थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, जो मैन की एज है वो अपने सन से तीन गुना ज्यादा है, मैंने लिख लिया सिक्स इयर्स अगो। ठीक है, अब छह साल पहले क्या होगा, पहले तो ये देखो, ये तो प्रेजेंट सिनेरियो था, अब छह साल पहले क्या होगा सिक्स इयर्स अगो, छह साल पहले क्या होगा, मैन की एज कितनी होगी एम माइनस सिक्स, सन की एज कितनी होगी एस माइनस सिक्स, और क्या कंडीशन दे दी इसने, मैन वॉज सेवन टाइम्स, अच्छा छह साल पहले मैन, ये हो गया मैन was seven times as old as his son, तो ये कितना होगा seven times उसके son की age, son की age कितनी s minus six। ठीक है, present age of the man निकाल लिया। ठीक है, ये condition बन गई और एक ये दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ m की जगह क्या put कर सकता हूँ 3s, तो यहाँ पे 3s put कर देता हूँ, minus six equal to seven s minus seven six are 42, तो ये equation बनेगी, इसको मैं solve कर लूँगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इस चीज़ को इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 42 माइनस सिक्स इक्वल टू सेवन एस माइनस थ्री एस, तो ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा ये दो 36, तो ये हो जाएगा सात में से तीन गए चार फोर एस, तो एस कितना हो जाएगा फोर नाइन, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आएगी नाइन, अगर सन की प्रेजेंट एज नाइन है तो मैन की कितनी होगी थ्री टाइम्स ऑफ नाइन, ये कितना हो जाएगा 27 ईयर्स, तो हमें किसकी पूछी थी मैन की पूछी, तो मैन की एज कितनी आ जाएगी 27 इयर्स। अगर यहाँ पे पूछ लिया था कि फाइंड द एज ऑफ मैन आफ्टर थ्री इयर्स, तो प्रेजेंट निकाल के उसमें तीन प्लस कर देता मैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया, देखो करना आपको ऐसे ही है, जो क्वेश्चन में दिया होगा सबसे पहले प्रेजेंट एज लिख लो, फिर जो आफ्टर या बिफोर दिया हुआ है वो लिख लो, उससे जो इक्वेशन बनती है वो लिख लो, और बस क्या करना है इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आपको क्वेश्चंस नहीं देखने, आपको कंसेप्ट देखना कि मैं क्या यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निशा इज 15 ईयर्स एल्डर टू रोमी। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट एज निशा की मान लेता हूँ एन और रोमी की मान लेता हूँ आर। ठीक है, तो प्रेजेंट आज की बात कर रहा हूँ, वो आज की डेट में निशा जो है रोमी से 15 साल बड़ी है, एल्डर का मतलब बड़ी है। ठीक है, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, निशा इज 15 ईयर्स ओल्डर, मतलब रोमी से 15 साल बड़ी है, यही होगा, मैं 10 साल का हूँ तो मेरे से 15 साल कोई बड़ा होगा तो वो 25 साल का होगा, उसमें 15 प्लस कर दूंगा मैं, तो ये तो एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब किसकी बात कर रहा है, 5 साल पहले की, 5 साल पहले मैं चला जाऊँ, अगर 5 ईयर्स बैक चला जाऊँ तो निशा की एज कितनी हो जाएगी एन माइनस फाइव और रोमी की एज कितनी हो जाएगी आर माइनस फाइव। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 5 साल पहले क्या हुआ, निशा की जो एज थी, निशा की एज 5 साल पहले कितनी होगी एन माइनस फाइव, तो वो कितनी होगी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रोमी, तो रोमी कितना था उस टाइम 5 साल पहले आर माइनस फाइव, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लूँ पहले में, तो ये बन जाएगा 3R माइनस 15, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं बना दूँ अगर n माइनस 3R, अच्छा इसको नहीं करता हूँ मैं, उसको ले जाता हूँ 15 को, इस तरफ ले आता हूँ 15, इस तरफ आएगा तो 15 माइनस फाइव इक्वल टू 3R माइनस n, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरे पास 3R माइनस n इक्वल टू 10। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनी, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आती ही होगी, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये बन जाएगी मेरे पास R, ठीक n को इस तरफ ले आता हूँ माइनस n इक्वल टू 15, तो चला माइनस 15। ठीक है,
ये ऊपर से मिटा देता हूं मैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा दिख रहा है ना ये नीचे, हाँ ठीक है, 3r माइनस 2r इक्वल्स माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25। तो r कितना हो जाएगा 12.5, पूछा गया है निशा की प्रेजेंट एज। तो अगर r हमारे पास 12.5 है तो n निकालना मुझे, तो n कितना आ जाएगा, मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, तो 3r माइनस n इक्वल्स टू 10 है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 12.5 माइनस n इक्वल्स टू 10। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 7, 3 × 37.5 माइनस 10 इक्वल्स टू n। तो ये n कितना आ गया मेरे पास 27.5 ईयर्स, ठीक है। तो ये था इक्वेशंस बनानी थी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो ना कि क्वेश्चन को देखो, बस एक एक स्टेटमेंट को फॉलो करते जाओ, क्या क्या बोल रहा है प्रेजेंट एज और जितने साल पहले, जितने साल बाद जाने को बोल रहा है उतने साल बाद चले जाओ या उससे पहले चले जाओ, काम खत्म। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रणव एंड कुरेशी इज, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ दोनों तरीकों से सॉल्व करवा दूंगा आपको। तो प्रेजेंट एज क्या है प्रणव और कुरेशी की, पहले तो मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड कुरेशी इज 4:5, ठीक है। ये प्रेजेंट एज 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, कितने रेशियो होगी 7:9। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ये 4 और 3 7 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, देखो डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा ये डिफरेंस मुझे बराबर करना। तो ये डिफरेंस मैं बराबर कैसे करूँगा, देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस है 4 और 5 में 1 का, इन दोनों के बीच में 2 का। तो मैं क्या करूँगा इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इनको इससे करूँगा, तो क्या बन जाएगा 4 2 8, 5 2 10, ये बन जाएगा 7 1 7, ये बन जाएगा 9 1 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो अब क्या डिफरेंस है, 8 में 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है और इसके बीच में 1 का। ये थी प्रेजेंट, ये था माइनस 5, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, देखो ना प्रेजेंट और माइनस 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, है ना। तो पूछा गया हमें फाइंड दियर प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी, मतलब 8 और 10 निकालना है। अगर 1 की वैल्यू मेरे पास 5 है तो 8 की कितनी होगी 40 और 10 की कितनी होगी 50, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरा आंसर, इसकी प्रेजेंट एज आ गई 40, किसकी प्रणव की, और कुरेशी की कितनी आ गई 50, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना था इसको शॉर्टकट तरीके से। अब क्या करना है, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। बेसिक मेथड से मैं इक्वेशंस बना देता हूँ, प्रणव की प्रेजेंट एज पी, कुरेशी की क्यू। तो प्रेजेंट एज की रेशियो कितनी है, पी बाई क्यू इक्वल्स टू 4/5। 5 years ago कितनी हो जाएगी, पी माइनस 5 और क्यू माइनस 5, तो कितना रेशियो है 7/9। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसकी जगह x लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9p माइनस 45 इक्वल्स टू 7q माइनस 35। पी की जगह मैं 4x पुट कर दूंगा, ठीक, 45, क्यू की जगह 5x माइनस 35, ये क्या हो जाएगा 36x माइनस 45, 35x माइनस 35। इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये x हो जाएगा 36x माइनस 35x, इसको उस तरफ ले जाऊँगा तो ये 10 हो जाएगा। जब x 10 हो गया तो p की कितनी आ जाएगी 4 × 10 = 40 और q रेशियो की 50, तो यही आंसर आया था मेरे पास, ठीक है। तो ये था मेरे पास जो शॉर्टकट तरीका था, मैंने आपको ये भी करवा दिया कि जब हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करना है, और जब सेम होगा तो यहाँ पे कर दिया और कुछ नहीं करना, एजेस में इक्वेशंस बनाते जाओ, ठीक है। प्रेजेंट एज लिखो, फिर जो कंडीशन दी है 5 years ago या 5 years after, जितने भी साल आगे पीछे बोला हुआ है उसको करो, और उसके बाद उसको इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी करके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये था मेरे पास एजेस का कॉन्सेप्ट। तो अभी लिमिटेड टाइम की वजह से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में देख के आप एजेस के क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर लोगे।
तो इतना ही इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।